Okay, I am also fine, Peter. अब आज हम करते हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा दूसरी पाठ पांच। कितने सारे त्योहार की एक साल होता है और उसके अंदर कितने सारे त्योहार होते हैं, हम उन त्योहारों को किस किस प्रकार से मनाते हैं। ठीक है, साल में हर त्योहार एक ही बार आता है, जैसे दीपावली है एक बार आती है, होली है एक बार आती है, कोई भी त्योहार हो साल में वो एक ही बार आता है, उसके बारे में आज हम करते हैं। ध्यान से लेसन को समझना, लेसन की कविता है ये दिखा दूं होगी आपको। ठीक है, लेसन की एक्सरसाइज करते हैं।
नीचे दिए गए शब्दों का उनके त्योहारों के साथ मिलन करें। अब हमारे सामने कुछ शब्द रखे और इनके साथ में कुछ इनकी वस्तुएं दे रखी है। किस त्योहार पर हम कौन कौन सी चीज का प्रयोग करते हैं? जैसे दीपावली, दीपावली पर हम क्या करते हैं? पटाखे बजाते हैं, दिए जलाते हैं। तो इनको इनके साथ मैच करना है। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन भाई बहन का राखी का त्योहार होता है, तो उस पर राखी होती है और तिलक लगाते हैं। क्रिसमस, क्रिसमस में क्या करते हैं? चर्च होता है और केक होता है। अब बैसाखी, बैसाखी का त्योहार कब होता है? दशहरा, बैसाखी, रमजान और दशहरा। रमजान कब होता है? देखो दशहरा राम का पर्व होता है। बैसाखी क्या होती है? बंगला और गिद्दा करते क्या रहता है, जब फसल कटती है तब हम बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। रमजान, रमजान में क्या होता है? रोजा और चांद होता है। बैसाखी, बैसाखी का त्योहार कब मनाया जाता है? जब फसल कटती है उस टाइम बांगड़ा और गिद्दा नृत्य किया जाता है और फसल कटने की खुशी में बैसाखी का त्योहार खुले खेतों में मनाया जाता है। दशहरा, दशहरा पर हम क्या करते हैं? रावण और नवरात्रि होती है उस टाइम। रमजान, चांद और रोजा होता है। आपको कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगा और क्यों? जितने कविता के अंदर त्योहार आए हैं उनमें से आपको कौन सा त्योहार सबसे ज्यादा अच्छा लगा और क्यों? तो कविता में आए त्योहारों में से हमें दीपावली का त्योहार सबसे अच्छा लगा या होली का हमें अच्छा लगा। आप अपनी मनपसंद कोई भी एक त्योहार को कर सकते हो कि हमें दीपावली का त्योहार सबसे अच्छा लगा क्योंकि इस त्योहार पर हम दीप जलाते हैं, हमें होली का त्योहार सबसे अच्छा लगा क्योंकि इस त्योहार पर हम गुलाल लगाते हैं, हमें बैसाखी का त्योहार अच्छा लगा क्योंकि इस त्योहार पर फसल पककर तैयार कट जाती है। तो ऐसे आप कोई भी एक त्योहार को कर सकते हो। कितने सारे त्योहार, कोई एक त्योहार को और जोड़कर इस कविता को और बड़ा करना है। नीचे दिए गए शब्दों को वचन के आधार पर तालिका में खींचकर सही स्थान पर रखें। अब देखो कविता में एक वचन और बहुवचन। एक वचन अब क्या होता है? वचन क्या होते हैं? जो किसी वस्तु के एक या एक से ज्यादा के बारे में बोध करवाते हैं। वचन क्या होता है? कोई चीज है हमारे पास, जैसे मेरे पास चौक है, एक चौक है ये वचन है, पांच चौक है ये भी वचन है, लेकिन वचन जो है इसके दो भेद होते हैं। वचन जो है इसके दो भेद होते हैं, एक वचन और एक वचन और बहुवचन। अब वचन है इसमें एक भी चीज आएगी तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन इसके दो भेद हो जाएंगे। एक वचन का मतलब होता है केवल एक ही चीज होना, बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा कितनी भी चीजें हो वो सारी बहुवचन। अब देखो एक वचन में कपड़ा, अगर यहाँ पे कपड़े होता तो हमारा बहुवचन, जैसे बहुत सारे कपड़े कपड़े तो हमारा बहुवचन होता। अब हमारा कपड़ा एक वचन है। पटाखा, अगर पटाखा होता तो एक पटाखा होता, एक वचन होता। अब पटाखे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं तो बहुवचन। मिठाई, एक मिठाई किसी एक प्रकार की मिठाई है। टॉपी एक है। किताबें बहुवचन हो गया क्योंकि हमारे पास किताब होता तो एक वचन हो जाती क्योंकि एक ही किताब। अब बहुत सारी किताबें हैं तो किताबें कौन सा हो गया? बहुवचन। कपड़े
पांच एकवचन और पांच बहुवचन शब्द चुनकर उनमें से कोई भी आप वाक्य बना सकते हैं।